नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नज़र डालेंगे एआई को लेकर कृषि में क्या बड़ा बदलाव करेगी यूपी सरकार, फिर जानेंगे राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले कृषि राहत आयोग बिल के बारे में और आपको बताएंगे हरियाणा में किसानों को अब पैकेजिंग प्रोसेसिंग यूनिट कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन देगी सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी एग्रीटेक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया था। इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मौसम अपडेट में एआई के इस्तेमाल को लेकर कहा कि मौसम के क्षेत्र में एआई के जरिए किसानों को न केवल सटीक जानकारी मिल सकेगी बल्कि वो अपडेटेड भी रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि विगत 6 वर्षों में प्रदेश की कृषि उत्पादकता में सराहनीय वृद्धि हुई है और अब कृषि के क्षेत्र में एआई से काफी बदलाव आने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा मौसम के क्षेत्र में सटीक जानकारी किसानों को इससे मिल सकेगी। इसके साथ ही सरकारी सुविधाओं में भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्तर पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाने के लिए नई खाद्य प्रसंस्करण नीति पर भी काम किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को समेकित रूप से विकसित करने के लिए जल एवं मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल मत्स्य पशुपालन डेयरी समेत अन्य क्रियाओं को एकीकृत रूप से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए खेत की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक सिंचाई और खाद का प्रयोग किया जाए जिससे किसानों की लागत में भी कमी लाई जा सकेगी। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार आगामी 2 अगस्त को विधानसभा में किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग बिल पेश करने की योजना बना रही है। खबर है कि राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग बिल लाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। इस बिल के पारित होते ही किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। राजस्थान में लाखों किसानों के लिए कानून की व्यवस्था होगी। आयोग बनने के बाद बैंकों और कोई भी फाइनेंशियल संस्था किसी भी कारण से फसल खराब होने की हालत में कर्ज वसूली का प्रेशर नहीं बना सकेंगे। किसान फसल खराब होने पर कर्ज माफी की मांग करते हुए इस आयोग में आवेदन कर सकेंगे। आयोग से सरकार को किसानों के कर्ज माफ करने या सहायता करने के आदेश कभी भी जारी हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस आयोग के सभी मेंबर्स हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को बनाया जाएगा जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इनके पास कोर्ट जैसी पावर होंगी। अगर किसी इलाके में फसल खराब होती है और इसकी वजह से किसान बैंकों से लिया हुआ कर्ज चुका नहीं पाता तो ऐसी स्थिति में आयोग को उस किसान और क्षेत्र को संकटग्रस्त घोषित करके उसे राहत देने का आदेश देने का अधिकार होगा। बीते सोमवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक इनोवेटिव फार्मर मीट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए कई बड़े फैसलों के बारे में चर्चा की और बताया कि जल्दी सरकार द्वारा जापान से 3,000 करोड़ रुपये का लोन लेकर किसानों को पैकेजिंग व प्रोसेसिंग यूनिट लगाने व कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए उपलब्ध करवाया जाए। फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालन कारोबार को 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में 1,000 ऐसी बच्चियां तैयार की जाएंगी जिनका दूध कम से कम 20 लीटर हो। कृषि मंत्री ने कहा कि सोनीपत के गन्नौर में देश की सबसे बड़ी फल फूलों की मंडी पर काम शुरू हो गया है। मंडी में रोजाना 30 से 40 हजार करोड़ का कारोबार होगा। मंडी तक फल फूलों को साफ सफाई छटाई कर पैकिंग कर मंडी में भेजा जाएगा तो उन्हें अच्छे भाव मिलेंगे और हर जिले में किसानों को प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट ग्रेडिंग सामान ढोने वाली वातानुकूलित गाड़ी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार इसके लिए जापान से एमओयू करने जा रही है। इसके तहत इस प्रोजेक्ट के लिए 3,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सराहना पा चुकी योजना एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब प्रदेश स्तर पर एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र को समेकित रूप से विकसित करने के लिए जल व मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल मत्स्य पशुपालन डेयरी समेत कई कामों को एकीकृत रूप से विकसित किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोमवार को यूपी एग्रीटेक कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन अवसर पर कृषि मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, वहीं अब सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर गैर ऋणी किसानों के लिए 5 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 10 अगस्त कर दिया गया है। इससे पहले किसान प्रीमियम डेबिट करने पॉलिसी सृजन एवं बीमा कंपनी को कृषक प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में एक बार फिर से टिड्डियों का खतरा मंडराने लगा है। हाल ही के सर्वे में बीकानेर जिले के सुरधना में टिड्डियों को देखा गया है। टिड्डी विभाग का दावा है कि सर्वे में मिली टिड्डी का घनत्व कम है। आपको याद दिला दें कि साल 2019-20 में पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर तबाही मचाई थी। उत्तर प्रदेश के शामली में किसान पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जल्द ही ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा टिकैत भूमि अधिग्रहण गन्ना भुगतान किसानों पर फर्जी मुकदमे समेत अन्य समस्याओं को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से मॉनसून के सक्रिय होने की बात कही है। मंगलवार सुबह से ही लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश से किसानों को राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश की उम्मीद जताई गई है। ये बारिश शुक्रवार तक जारी रहेगी। जरूरी बात यह है कि बारिश का सिलसिला खासतौर पर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जारी रहेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।